रामटेक नगर टोली में सोमवार को कार्रवाई करने गई संयुक्त टीम पर हमला होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने और शराब के अवैध धंधे हटाने के लिए मंगलवार को युद्ध स्तर पर अभियान चलाया। जौनपुर के सभी थानों के डीपी स्क्वाड और रायड कंट्रोल दस्ते ने मंगलवार की दोपहर पूरी टोली बस्ती को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान 400 से 500 की संख्या में पुलिस कर्मी तैनात थे। यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। गली गली में पुलिस की टुकड़ी तैनात की गई और इसके बाद शुरू हुआ अवैध शराब अड्डे ध्वस्त करने का काम। अलग अलग घरों में लगी शराब की भट्टियां पुलिस ने नष्ट कर दी। 40 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सोमवार को पुलिस दल पर हमला करने के बाद अधिकांश लोग अपने घरों से भाग निकले। देर रात तक पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन चलता रहा। पुलिस ने 6 महिलाओं समेत 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रामटेक नगर टोली के अधिकांश घरों में अवैध महुआ शराब बनाने का काम चलता है। पुलिस टीम पर हमला होने के बाद आला अधिकारी भी भड़के हुए थे, इसलिए मंगलवार को दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ओमकार नगर और शताब्दी नगर चौक से पुलिस के वाहनों का रेला निकला। चारों तरफ से टोली को घेरा गया। किसी को भागने का मौका ना मिले, इसलिए छोटी छोटी गलियों में पुलिस के वाहनों से आवाजाही बंद कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात हो गए। मंगलवार को भी कुछ महिलाओं ने पुलिस पर हमले की तैयारी कर रखी थी, लेकिन तगड़ा बंदोबस्त होने के कारण किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद एक एक घर की तलाशी ली गई, शराब की भट्टियां तोड़ी गई, महुआ का सड़वा भी नालियों में बहा दिया गया, शराब बनाने के लिए उपयोग में आने वाला सामान भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ने रॉबिन जोगुन लोंडे, शंकर दाजीपाल लोंडे, उज्ज्वला नाडे, हसन भगवान लोंडे, कायाबाई बालाजी उपाड़े, कोमल उमेश लोकड़े, विशाल ईश्वर फुलझेले और अनुसया शंकर हाथाकड़े सहित कुल 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कल दोपहर को हमें जानकारी मिली थी, पुलिस स्टेशन अजनी हद में रामटेक नगर टोली एरिया है, वहाँ पे कुछ जगह के ऊपर में अवैध जुगाड़ चल रहा है और गावटी दारू का बनाने का काम और बिक्री का काम चल रहा है। इस माहिती पे से हमने वरिष्ठों को माहिती दी और आजू बाजू के पुलिस स्टेशन का भी स्टाफ लेके ऐसे हमने वहाँ पे शाम को 5:30 बजे हमने वहाँ पे कार्रवाई चालू की। वहाँ हमने एक जुगाड़ का रेड किया, वहाँ पे हमने आरोपियों को ताबे में लेके, जब वो आरोपियों को हम अपने शासकीय वाहन में बिठाने के लिए ले जा रहे थे, तब वहाँ पे बस्ती के कुछ लोगों ने गैर कायदे की मंडली वहाँ जमा की और पुलिस को उन आरोपियों को पुलिस स्टेशन में ले जाने से मना करने लगे। उस दरमियान उन्होंने पुलिस के ऊपर में और पुलिस के वाहन के ऊपर में पत्थरबाजी की। उस पत्थरबाजी में पुलिस के वाहन का कुछ कांच फूट गए हैं और कुछ एक दो कर्मचारी किरकोट जख्मी हुए हैं। गैर कायदे की मंडली 188, 269, 270, कोविड के सेक्शंस, सरकारी काम में अड़थड़ा, सरकारी मालमत्ता का नुकसान इत्यादि कलम से हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। उसमें अभी तक के हमने एकूण 30 आरोपियों को अरेस्ट किया है और जिसमें से कुछ आरोपियों का हमने PCR भी लिया है और भी उसमें से कौन कौन उसमें आरोपी में उल्लेख है या उसमें समाविष्ट है इसका हम लोग तपास कर रहे हैं और जल्दी उन्हें भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, 30 आरोपियों में से 22 पुरुष आरोपी है, 2 विधि संघर्ष बालक है और 6 महिला है। आज और कल मिलकर हमने रामटेक के टोली नगर में अवैध दारू बनाने के गुट्टों के ऊपर में कार्रवाई की है। कल हमने पोल्यूशन अजनी किए थे और आज पोल्यूशन अजनी पुलिस स्टाफ और एक्साइज डिपार्टमेंट ऐसा एक संयुक्त कार्रवाई की है। उसमें आज और कल हमने एकूण 40 दारू विक्रेता पे कार्रवाई की है। 40 लोगों के खिलाफ हमने गावटी दारू के उपलक्ष्य में हमने गुन्हे दाखिल किए हैं और अंदाजन हमने 10 लाख रुपए का मुद्देमाल वहां से जब्त किया है। सोमवार को पुलिस दल पर हुए हमले में 3 महिला होमगार्ड जख्मी हो गई। जख्मियों में प्रिया रामाजी निकोड़े, शिल्पा सुरेश मेंडी और भाग्यश्री मनोहर टोंडेवार का समावेश है। सरकारी काम में बाधा निर्माण करने सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने अल्ताफ लुंडे, श्रावण नाड़े, धीरा शिंडे, वतन नाड़े, संदीप मानकर, दारा सिंह लोंडे,
जितेंद्र नाड़े, कैलाश हाताकड़े, प्रताप हाताकड़े, उमेश मानकर, निखिल टिपले, सोनू पाटिल, नयन हावरे, अनिकेत पात्रे, प्रवीण लोंडे, पंकज सरोज, कन्ना हाताकड़े, आकाश नाड़े, ईश्वर लोंडे, वसंता लोंडे, सोहन उपाड़े, सावन मानकर, मिलन नाड़े, गीता नाड़े, सोनी नाई, हिरकत लोंडे, बेबी मानकर, निकिता हाताकड़े और दो नाबालिगों को हिरासत में लिया। 10 आरोपी 2 दिन की पुलिस हिरासत में है, जबकि अन्य को जेल रवाना कर दिया गया। 2 नाबालिगों को पुलिस ने सूचना पत्र देकर छोड़ दिया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।